हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात वाले प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा प्रश्न है कि दो संख्या का योगफल 80 है तथा उनका अंतर दिया हुआ 8, तो संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमको संख्या ही पता नहीं है, अब पूछ रहा है उसका अनुपात क्या होगा। देखते हैं, मान लेते हैं संख्या क्या है, दो संख्या की बात कर रहा है। दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, मान लेते हम लोग। तो बोला दो संख्या का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। यानी कि ए प्लस बी, इसका जो वैल्यू दिया आपको इतना 80 दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, क्लियर है। फिर बोला उनका अंतर, यानी कि ए माइनस का बी, इसका अंतर दिया हुआ कितना, 8 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ रहा है तो उनका अनुपात किया होगा। अनुपात का मतलब होता है आपका ए अनुपात बी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए अनुपात बी का वैल्यू होता है ए बट्टे बी, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। इसका मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान आपसे क्या हुआ ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिएगा, इसके बारे में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रिक क्या होता है समझेंगे हम लोग। जब भी आपको ऐसा संख्या मिले, a प्लस बी का मान पता हो आपको और a माइनस बी का भी मान पता हो, उस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे a का मान, यानी कि दो ही अंक होगा आपका, एक होगा बड़ा और एक होगा छोटा, या तो b बड़ा होगा या फिर a बड़ा होगा, या फिर a छोटा या फिर b भी छोटा, दोनों में से कोई एक तो बड़ा छोटा होगा ही, तभी तो हमारा डिफरेंस ये होगा, क्लियर है। तो देखिएगा, इसको जनरली क्या मानते हैं, a को बड़ा नंबर मानते हैं, क्या मानते हैं, बड़ा। इस कंडीशन में ए का जो नंबर का मान निकालेंगे हम लोग कैसे, तो जो भी रेशियो है दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 80 प्लस का 8 कितना होगा आपका, 80 प्लस का 8, बटे में दो नंबर है तो दो से करेंगे भाग, तो 80 प्लस का 8 होता है कितना आपका, 88 में जब आप दो से भाग करेंगे कितना होगा, 44। यानी कि आप कह सकते हैं ए का वैल्यू कितना होगा, 44, जो कि मान सही भी है। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे बी का, तो बी का ट्रिक होता है आपका रेशियो में से माइनस करना, यानी कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, 80 माइनस का 8 और बटे में करने हैं दो, क्योंकि दो ही नंबर है। 80 में से अगर 8 को माइनस करेंगे हो कितना आपका, 72 बटे में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो कितना, 36। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि बी का वैल्यू कितना आगे निकल गया, 36 हो गया हमारा। ठीक है, अब से पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि ए अनुपात बी का मान, तो आसानी से आप कह सकते हैं ए का वैल्यू कितना है, 44 है, तो 44 अनुपात में 36 आपका आंसर है। चाहो तो इसको कटा सकते हो आप, कैसे, 4 से भाग दीजिए, 4 से कीजिए कितना हो, 11 अनुपात 4 से कीजिए इसमें 9, 11 अनुपात 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोनों आपका आंसर सही है। ऐसे प्रश्नों का आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है हमारा, ये भी आपका वैसा ही प्रश्न है। कहाँ कह रहा है, ए प्लस बी का मान दिया कितना, 50, ए माइनस बी का मान दिया 20, तो पूछे आपसे ए अनुपात बी क्या होगा। हमने क्या बोला था कि दो ही तरह का सवाल पूछेगा, इसमें ए प्लस बी का मान दिया रहेगा, ए माइनस बी का मान दिया रहेगा, तो आप ए और बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हम बात करेंगे ए के लिए, तो क्या हुआ, दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए आप, 50-20 होता है 70, बटे में कीजिए दो से भाग, वह कितना है, 35। आप यहाँ से निकालेंगे क्या, ए का मान कितना निकल गया, 35 है। वहीं बात करेगा बी का मान, तो हमने क्या बोला था, बड़े वाले रेशियो में से छोटे वालों को माइनस करेंगे, 50 में से आप 20 को माइनस करेंगे कितना होगा, 30, बटे में हो जाएगा 2, सॉल्व करेंगे कितना होगा, 15। यानी कि बी का मान निकल गया कितना, 15, ए का मान 35, बी का मान 15। अब आपसे पूछे रहा है क्या, ए अनुपात है बी, यानी कि ए बाय बी पूछ रहा आपसे, ए का वैल्यू है 35, बोलिए आप 35, बी का वैल्यू है 15, तो बोलेंगे 15, सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, यानी कि हो जाए कितना, 7/3। ठीक है, अगर आपसे रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो में जवाब देंगे, बटे में पूछेगा तो बटे में जवाब देंगे, आपका निकल गया बटे में 7/3,
अगर आपसे पूछ रहा है क्या रेशियो में, तो ए अनुपात है, बी पूछ रहा है आपसे, तो इसका वैल्यू कितना बोलेंगे आप, ए का वैल्यू 7 निकल गया, बी का वैल्यू 3, 7:3, और यही प्रश्न क्या हुआ आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर समय कितना मिलता है आप लोगों को, 50 सेकेंड का मैक्सिमम समय मिलता है, इससे भी कम मान लिया 40-45 सेकेंड का ही समय मिलता है आपको एग्जाम में, ठीक है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इससे अगर आप ज़्यादा समय ले रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।